वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको देखिए 36 साइज की स्लीवलेस ब्लाउज की पतले शोल्डर पट्टी की कटिंग बताने वाली हूँ, जिसे आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बहुत अच्छे से समझाऊंगी और बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग बताऊंगी, जिसमें आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है कि शोल्डर पट्टी में ब्लाउज बनाते वक्त हमें कितनी शोल्डर पट्टी लेनी चाहिए, कितना शोल्डर लेना चाहिए, आर्मोल लेना चाहिए, सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर से नाप नोट कर लीजिए। लंबाई हम 36 साइज का ब्लाउज बनाएंगे। 36 साइज के ब्लाउज के लिए हम 15 इंच की लंबाई रखेंगे। 15 इंच की लंबाई के बाद में हमें शोल्डर यहाँ पर रखना है। 15 इंच की लंबाई है और सीना 36 इंच है। तो देखिए, यहाँ पे हम 15 इंच का लंबाई लेंगे। 15 इंच में हम 1 इंच बढ़ा के रखेंगे, यानी कि जो हमारी लंबाई है वो कितने इंच की आएगी, 16 इंच की आएगी। ब्लाउज की लंबाई को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम कम लंबाई का ब्लाउज बनाते हैं तो आप इसे ज्यादा कर सकते हैं, और ज्यादा लंबाई का बनाते हैं तो उसे आप कम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद में जो हमारा सीना है वो 36 इंच का है, तो शोल्डर हमें यहाँ पर कितने इंच का लेना पड़ेगा, लगभग शोल्डर हमें यहाँ पर कितने इंच का लेना पड़ेगा, 5 इंच का। ये देखिए, हमने यहाँ पे 5 इंच का शोल्डर लिया, और आर्मोल हम यहाँ पर कितने इंच का लेंगे, लगभग 5.5 इंच का लेंगे। देखिए, पतली शोल्डर पट्टी का ब्लाउज बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमने शोल्डर को यहाँ पर लगभग 5 इंच का लिया है, और आर्मोल हमने यहाँ पर लगभग 5.5 इंच का लिया है। देखिए, पीछे के भाग में 1.5 इंच पर हम आर्मोल की गोलाई को देंगे। तो 1.5 इंच पर जब आर्मोल की गोलाई को देंगे तो आर्मोल की गोलाई का शेप कुछ किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। अब देखिए, सीना हमारा यहाँ पे 36 इंच का है, बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं हम, तो सीने को कितने इंच बढ़ा देंगे, 9.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाएंगे। देखिए, मैं आपको हमेशा बार बार एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे होते हैं जो नए चैनल से जुड़े होते हैं, तब उनको जब वो पहली बार वीडियो देखते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर ही समझाती हूँ। उसके बाद में कमर हमारी यहाँ पर 32 इंच की है, तो हम सीने का भाग लेंगे, 32 इंच का चौथा भाग लेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 8 इंच आएगा। 1 इंच हम टक्स का लगाएंगे, तो 9 इंच पर फिटिंग रखेंगे, और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का लेंगे। ये देखिए, अब हम ये मार्जिन वाली लाइन से मार्जिन वाली लाइन को मिला देंगे, और फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन को मिला देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, मैंने यहाँ पर कितने इंच बढ़ाया, 1/2 इंच बढ़ाया, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं इसलिए हमने 1/2 इंच लूजिंग का दिया है। अगर आप ब्लाउज के माप से बनाते हैं तो आपको कुछ भी नाप नहीं लेना है अलग से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमें शोल्डर पट्टी लेनी है, गले का जो चौड़ाई हमें रखनी है वो कितने इंच पर रखनी है, लगभग 2.75 इंच पर रखनी है। देखिए, 2.75 इंच पर हम यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे, और जो हमारे गले की पट्टी है वो कितने इंच की है, 2 इंच की हम यहाँ पर पट्टी रखेंगे। देखिए, 1/2 इंच हमारी यहाँ पे सिलाई में जाएगी, 1/2 इंच हमारी यहाँ पे सिलाई में जाएगी, तो जो हमारे पास पट्टी बचेगी वो कितने इंच की बचेगी, 1.5 इंच की बचेगी। 1.5 इंच की पट्टी की शोल्डर पट्टी जो होती है वो बहुत कम होती है, और आपको कम रखनी है तो आपको शोल्डर का जो नाप है वो कम करना पड़ेगा। गले की चौड़ाई अगर आपको कम लगती है तो आप उसे 3 इंच तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसमें पीछे की तरफ आपको डोरी को लगाना पड़ेगा जिससे आपका गला मेंटेन रहे। देखिए, अब हमारा यहाँ पे गले का पीछे की गले की जो चौड़ाई है वो हमें कितने इंच पर रखनी है, लगभग 10.5 इंच पर रखनी है। डीपनेस आपको बढ़ानी हो तो आप डीपनेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको फिर यहाँ पर शोल्डर और कम करना पड़ेगा। अब देखिए, हम यहाँ पर गले की चौड़ाई को लेंगे, इस प्रकार से गले की चौड़ाई को लेना है, और नीचे की तरफ से आपको हल्का सा चौड़ाई को यहाँ पर बढ़ा देना है, ठीक है। देखिए, अब मैं यहाँ पर गले की डीपनेस को बनाऊंगी इस प्रकार से। देखिए, गले को हम हल्का सा बाहर लेते हुए वापस इसी निशान पर मिला देंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो गला होता है वो जो बैक होता है हमारा उस पर बहुत ही अच्छे से आता है और फैला हुआ दिखता है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड में ब्लाउज चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, ब्लाउज नीचे से फैले हुए चल रहे हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान हमेशा कटिंग करते वक्त रखना चाहिए। देखिए, अब हमने यहाँ पर 1/2 इंच डाउन दिया जिससे हमारे जो गले की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आप इस पर पाइपिंग लगा रहे हैं तो पाइपिंग को बहुत टाइट खींचकर लगाइए, उरेब में काटिए, जिससे आपकी फिटिंग गले की बहुत अच्छी आए। और यहाँ पर हमें टक्स का निशान लगाना है, 3.5 इंच पर हम टक्स का निशान लगाएंगे, और लगभग यहाँ पर 4.5 इंच हमें क्या करना है, टक्स पॉइंट लगाना है। ये देखिए, ये हमारा टक्स पॉइंट का निशान है,
तो हमने इस प्रकार से बैक भाग की कटिंग की है, हमें यहाँ पर बैक भाग लिखना है। अब देखिए सबसे पहले हम बैक भाग की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ पीस है हम उस पर क्या निकालेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग निकालेंगे। ये हमारा बैक भाग कट गया है, अब हमें यहां पर इसकी क्या निकालनी है, फ्रंट पार्ट की कटिंग निकालनी है। देखिए ये देखिए बिल्कुल बराबर पेपर हमारा आ रहा है। देखिए ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी आप कटिंग करें या जब भी आप मार्किंग करते हैं तो बैक भाग निकालने के बाद में आप फ्रंट पार्ट से पहले डॉट डॉट मार्किंग कर लीजिए, उसके बाद जो फ्रंट पार्ट में चेंजेस करने वो करके भी आप फ्रंट पार्ट की कटिंग को कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे पहले डॉट डॉट मार्किंग करूंगी, ये हमने डॉट डॉट मार्किंग करी यहाँ पर। ये देखिए ये हमने यहाँ पे डॉट डॉट से मार्किंग कर ली है, अब हमने बैक पार्ट को हटा दिया है। देखिए अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं वो आप देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर लगभग एक इंच नीचे उतारना है आर्मोल, क्योंकि देखिए आर्मोल स्लीवलेस ब्लाउज है, ये आर्मोल हमारा अच्छे से कटिंग किया हुआ होना चाहिए ताकि क्या हो, हमारे जब ब्लाउज हम पहनते हैं तो किसी भी तरीके से आर्मोल में फंसना नहीं चाहिए, आर्मोल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक सल यहाँ पे बन जाता है। वैसे हम आधा इंच की कटिंग करते हैं लेकिन हम ये स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर कितने इंच की कटिंग करेंगे, एक इंच की करेंगे। देखिए उसके बाद हमें हल्का सा अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से कटिंग करनी है। ये देखिए ये हमारे आर्मोल की कटिंग आ गई। यहाँ पे हमें लगभग डेढ़ इंच बढ़ाकर रखना पड़ता है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसेस कट कटिंग करनी है, टक्स का निशान लगाना है, तो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब देखिए 36 साइज में हमें टक्स किस तरीके से निकालना है, ये यहाँ पे हमें इंच पर निशान लगाना है, हल्का सा मैं ऊपर करूंगी ताकि आपको टक्स पॉइंट अच्छे से दिखे। देखिए ये हमने यहाँ पर कितने इंच पर निशान लगाया, 4.25 इंच पर। देखिए ये 4.25 पे निशान लगाया, टक्स पॉइंट का निशान हमारा लगभग कितने इंच पर जाएगा, 5 इंच पर जाएगा, क्योंकि हमने ब्लाउज की लंबाई को 15 से 16 इंच पर लिया है इसीलिए। उसके बाद हमें इस निशान को आर्मोल की तरफ मिलाना है इस प्रकार से। ये देखिए ये हमारा आर्मोल की तरफ मिल गया, आधा इंच वो आर्मोल की तरफ से भी हमें कट करना है जिससे क्या हो, हमारे ब्लाउज की जो सल है वो नहीं आए और हमारे जो ब्लाउज में झोल आता है आर्मोल की तरफ वो भी नहीं आएगा इस कटिंग से। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, डेढ़ इंच, देखिए हमें डेढ़ इंच का यहाँ पे टक्स की चौड़ाई लेनी है, यहाँ पर हमें लगभग 2.5 इंच तक सीधी पट्टी पे निशान लगाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर शेप को प्रिंसेस कट से मिला देना है। तो देखिए इस प्रकार से हमें कटिंग करनी है, आगे की तरफ हमें लगभग आधा इंच पर तिरछा निशान लेना है इस तरीके से और इस निशान को हमें वापस से यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा करके मिला देना है। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से कटिंग क्लियर की है, यहाँ पे भी हमने 1/4 इंच की कटिंग का शेप दिया है जिससे हमारे ब्लाउज के कोने बाहर की तरफ नहीं निकले और जो मार्जिन है वो ब्लाउज से बाहर ना निकले। उसके बाद आगे की तरफ हमें 1/2 इंच की कटिंग देनी है क्यों, जिससे हमारे प्रिंसेस कट का शेप बहुत अच्छा आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 2.75 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाना है, 2.75 इंच पर हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और आगे का गला लगभग हम 7 इंच पर कट करेंगे। देखिए डीप नेक ब्लाउज है तो आगे का ब्लाउज भी, आगे का गला हम कम से कम 7 इंच पर कट करेंगे, गोल शेप रखेंगे, आपके हिसाब से आप शेप चेंज कर सकते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया है मैं यहाँ पर गोल कटिंग बताती हूँ, ये रेगुलर है। अगर आप पत्ती वाला शेप रखना चाहते हैं, चौकोर गला बनाना चाहते हैं, अदर कोई भी शेप आप रखना चाहते हैं तो इस बॉक्स में बनाकर आप बना सकते हैं। अब मैं आपको इसके आगे की कटिंग बताऊंगी, कटिंग करते वक्त आगे के भाग में किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो चीज बताऊंगी। देखिए सबसे पहले आपको ये कटिंग करनी है बाहर बाहर की, ये देखिए ये देखिए ये हमारे बाहर की कटिंग थी, ये हमने अंदर के आर्मोल के निशान लगाया है इसलिए हमको आर्मोल को इस प्रकार से कट करना है। ये देखिए इस प्रकार से हल्का सा डाउन लेंगे हम,
और गले की फिनिशिंग कर देंगे। ये हमारी हुई आगे के भाग की कटिंग। उसके बाद देखिए नीचे की कटिंग और साइड से पीछे की कटिंग, हल्की सी शेप देंगे बस। ये देखिए इस प्रकार से हमने कट किया। उसके बाद जो हमारा ये बीच वाली गोलाई है हम इसे कट करेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पे कट किया। अब उसके बाद में जो हमने आधा इंच की मार्किंग आपको बोला है, आधा इंच से आपको कट कर देना है, क्योंकि सिलाई करते वक्त हमें इन चीजों का ध्यान नहीं रहता है कि हमको सिलाई में दबाना है, इसलिए आप पहले से कट कर दीजिए। अब हम इसे अंदर की तरफ कट करेंगे इस प्रकार से। देखिए ये हुआ हमारा आगे के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। देखिए बहुत ही क्लियर कटिंग मैंने आपको बताई है, बहुत साफ सुथरी कटिंग बताई है, किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ इन दो पार्ट्सों को एक बूट की सिलाई में जोड़ना है, डबल सिलाई करनी है, जिससे आपकी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आए। देखिए ये आपका फ्रंट पार्ट है, ये आपका बैक पार्ट है जिसका गला हमने नहीं कट किया है। अब मैं आपको इसका गला कट करके बताऊंगी। देखिए ये हमने यहाँ पर पीछे के भाग की भी कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कि गला कितना सुंदर कटा हुआ है। आगे के भाग में भी गला डीपनेस है, शोल्डर बहुत पतले हैं, बनने के बाद ये एक इंच कम हो जाएंगे तो और पतले हो जाएंगे। अगर आपको और पतले शोल्डर चाहिए तो अगर आपको किसी भी प्रकार से कटिंग में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसकी कटिंग वापस से बताएंगे। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती।